सफाई कर्मचारियों के हित में कार्य कर रहे उत्तर प्रदेशीय सफाई कामगार संगठन सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर जागृति का आयोजन किया गया। साथ ही संगठन द्वारा आगरा मंडल, आगरा जिला और शहर में प्रांतीय अध्यक्ष श्याम कुमार द्वारा पदाधिकारियों नियुक्ति की गई। सभी पदाधिकारियों को कर्मचारी हित में कार्य करने का संकल्प भी दिलाया गया। 4 जनवरी बुधवार को आगरा के मदन मोहन गेट स्थित मिलन वाटिका में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेशीय सफाई कामगार संगठन द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए संगठन में लगभग 110 पदाधिकारियों को नियुक्ति पद प्रदान किए गए। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम कुमार करुणेश ने बताया कि नगर निगम आगरा एवं अन्य अर्ध शासकीय संस्थानों तथा असंगठित क्षेत्रों में मोहल्लेदारी घरेलू सफाई कार्य में सफाई मजदूर भाई बहनों के हित के लिए हमारा संगठन लंबे समय से कार्य कर रहा है। सफाई कर्मचारियों की नगर निगम में पड़ी लंबित मांगों को लेकर संगठन द्वारा समय समय पर अधिकारियों को अवगत भी कराया जाता रहा है। वहीं बुधवार को संगठन के बैनर तले संगठन का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आगरा मंडल, आगरा जिला और नगरीय क्षेत्र में संगठन और मजबूती के साथ कर्मचारियों के हित में कार्य करेगा। आज ये जो उत्तर प्रदेशीय सफाई कामगार संगठन और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का जो है पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है इसका, ये मिलन वाटिका में, तो हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ जो आज वो चुने गए हैं, मनोनीत हुए हैं, चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उन सबका शपथ ग्रहण समारोह है। कितने पदाधिकारी इसमें चुने गए, नियुक्ति पत्र दिए गए? ये बार्ड वाइज हमारे यहाँ जो है करीब करीब 110 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। आगरा मंडल का चयन किया गया है, उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है, आगरा जिला का चयन किया गया है, आगरा महानगर का और बाढ़सों का चयन किया गया है। कुछ बाढ़ जो है अभी बाकी हैं जिनका चयन होना है। नगरीय क्षेत्र में आपका संगठन काम कर रहा है, आपने जिले के भी पदाधिकारी बनाए, तो किस तरीके से काम करेंगे फिर आप जिले में? नहीं, हमारा तो सदैव से कोऑर्डिनेशन है, सब समन्वय है जी। जब कभी नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में हमारे सफाई कर्मचारियों पर कोई दिक्कत आती है, हम सबसे पहले पहुंचते हैं, चाहे वो अछनेरा हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे एदमादपुर हो, बाह हो, पनाहट हो और शमशाबाद हो, इन कोई भी हम जिले में जो जहाँ हमारी 5 जो नगर पालिका है और 4 नगर पंचायतें, हम सब में पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी शासनादेश जारी होते हैं वो सचिवालय से अनुभाग 1 से जारी होते हैं और उन पर भी लागू होते हैं, हम पर भी लागू होते हैं। तो देश का कामगार संगठन के द्वारा संगठन विस्तार हुआ है, इसमें प्रदेश लेवल से और जिला लेवल, महानगर लेवल से पदाधिकारी नियुक्त किए गए। उनको पहले तो मैं सबको उनको बधाई दूंगा, उनको सबको पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस तरीके से कार्य करेंगे संगठन? भाई सामाजिक सफाई कर्मचारियों का संगठन है, भाई ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी काम करेंगे, कर्मचारियों की हर बात जिला स्तर से लेकर तमाम समस्याएं होती हैं, नियुक्ति से संबंधित समस्याएं, तनख्वाह शैली से संबंधित समस्याएं, जो कर्मचारियों के ऊपर इस समय जो परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को कर्मचारी सभी संगठन लड़के हम लोग भी उनके साथ रहेंगे, आगे चल के इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को फूल माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को भी फूल माला और साफा पहनाकर नियुक्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान वाल्मीकि महापंचायत के झिल्लोराम वाल्मीकि, बल्लो प्रसाद खांचजी सहित तमाम अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।